नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रहों की युति के बारे में जानकारी कि जब दो या दो से ज्यादा ग्रहों की युति होती है तो हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से वो हमें सकारात्मक या नकारात्मक फल भी दे जाते हैं। तो दर्शकों, जैसे ही 18 जनवरी को शुक्रदेव जो है वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे तो यहाँ त्रिग्रह योग बन जाएगा, यानी कि जहाँ पहले से ही बुध और मंगल बैठे हुए हैं, अब शुक्र की युति भी वहां होने जा रही है, वो भी किस राशि में, धनु राशि में। देखिए, धनु राशि में शुक्र मंगल और बुध की युति रहेगी। इस युति के चलते ये जो फल है किन राशियों को विशेष लाभ देगा, यानी कि किन राशियों की लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और किन राशि वालों को थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा इस समय, ये आज हम आपको जानकारी देंगे कि किन राशियों को इस समय प्यार में धोखा मिल सकता है, भाई थोड़ा सावधानी रखें, या किन राशियों को बहुत ज्यादा लॉयल रहना चाहिए कि उनका लाइफ पार्टनर जो है उनके साथ ब्रेकअप ना कर ले। और साथ ही साथ शुक्र मंगल की युति से ये योग बनेगा, प्लस जब शुक्र बुध की भी युति बनेगी तो लक्ष्मी नारायण राज्यों का निर्माण होगा, किन राशियों को धन लाभ होगा, यानी कि प्यार की बरसात भी होगी और धन वर्षा भी होगी, दोहरे लाभ आपको मिलेंगे। इन दोनों विषयों को लेकर ही मैं आपके सामने आज ये एपिसोड लेकर आया हूँ, जहाँ 12 राशियों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही साथ कितना धन लाभ इस आने वाले आप तकरीबन 20 दिन में प्राप्त कर पाएंगे। तो दर्शकों, बता दें शुक्र मंगल की युति को ज्योतिष में हालांकि बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है, अगर ये अशुभ भाव में हो आपकी जन्म पत्रिका में, छठे भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में या सप्तम भाव में हो और नीच भाव से दृष्टि पड़ रही हो या अशुभ भाव के साथ दृष्टि पड़ रही हो, साथ में राहु या शनि इसको देख रहे हो, तो हमारी मैरिड लाइफ जो है बड़ी डिस्टर्ब रहती है, हमारे प्रेम संबंध टूट जाते हैं, विवाह में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा होती हैं और कुछ केसेस में तो ये डिवोर्स के योग भी बना देता है। लेकिन ऐसे शुक्र मंगल पर राहु या शनि की दृष्टि हो या उनके साथ युति हो, ये योग तभी बनते हैं और कुंडलियों में बाकी ग्रहों की स्थिति को देखकर भी इस तरह के योगों का पता चलता है। तो देखिए, शुक्र मंगल के साथ जहां ये योग बना रहे हैं, भोग विलासता का योग बहुत बनता है, आदमी बहुत ज्यादा भोगी हो जाता है, काम वासना में उसकी जरूर से ज्यादा रुचि हो जाती है, लालसा व्यक्ति बहुत ज्यादा रखता है, बहुत ज्यादा कहना चाहिए आशावादी भी होता है और इच्छावादी भी बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ जब बुध भी बैठेंगे तो भाई धन लाभ का निर्माण का योग भी हो रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बनने से आपको धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और सुख साधनों में कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए, आपको बता दें जो धनु राशि है वो शुक्र की मित्र राशि नहीं है, यानी कि शुक्र और जो बृहस्पति है उनमें परस्पर शत्रुता रहती है। यहाँ मंगल जो बैठे हैं, यहाँ मंगल मित्र राशि में बैठे हैं अपने बृहस्पति के घर में और शुक्र और बुध दो मित्र एक शत्रु के साथ बैठे हैं। ये आप इसी तरह को समझिए, अगर आप अपने किसी ऑफिस में आपके कोई फ्रेंड है या कलीग है या क्लास में आपके कोई बैचमेट हैं, आप उसकी बर्थडे पार्टी में जाइए तो वहाँ आपको दो दोस्त जब एक साथ मिलते हैं और साथ में तीसरा शत्रु भी मिलते हैं जिससे आपकी बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं है या कम मित्रता है या जो आपसे या आप उनसे शत्रुता का भाव रखते हैं, उनके साथ मिलकर एक ही मंच पर आप बहुत अच्छा पार्टी को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते हैं ना चाहते हुए भी। इसी तरीके से शुक्र मंगल बुध जो है कुछ राशियों को विशेष लाभ देंगे धनु राशि में रहकर, तो ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दर्शकों, शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, शुक्र मंगल की युति जबरदस्त आपके जीवन में प्यार की बरसात होगी, लव रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, आपकी मैरिड लाइफ बहुत जबरदस्त रहेगी, लग्न में गुरु भी हैं तो ये प्रेम सच्चा भी होगा और प्रेम विवाह होने के योग भी बनेंगे, तो आपके लिए ना सिर्फ आपको आपका प्यार मिलेगा बल्कि आपको धन लाभ भी होगा, ऐश्वर्य वृद्धि भी होगी, सुख साधन भी बढ़ेंगे, भाग्योदय भी होगा और मेष राशि वालों के लिए ये समय जो है हर लिहाज से अच्छा कहा जा सकता है। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों के अष्टम भाव में युति बनती है तो यहाँ आपको लॉयल रहना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए, अन्यथा तो आप एक्सपोज भी हो सकते हैं।
समझदारी पूर्वक आगे चलना होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, धन का कहीं निवेश ना करें। हालांकि इस समय पैसा जरूर आपके पास आपको मिल जाएगा, कहीं से रुका हुआ फंसा हुआ पैसा था तो वो भी आपको मिलने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, मगर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र मंगल की युति ये उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंधों में बाहर लाएगी। आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ घूमने फिरने की योजना बन सकती है। यहाँ पर पैसा भी आएगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा, धन लाभ भी होगा, घरेलू स्थितियां भी अच्छी रहेंगी, कार्य पक्ष भी बहुत अच्छा रहेगा, तो किसी तरह की कोई समस्या मिथुन राशि वालों के लिए भी नहीं है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। छठे भाव में जब ये युति बनती है तो दर्शकों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनि की ढैया भी है। यहाँ आपके संबंधों में दरार आ सकती है, खासकर आपके प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में भी। किसी भी तरह का मन मुटाव से आपको बचना चाहिए, कोई गलतफहमी हो गई हो तो मिल बैठकर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और वाणी पर यहाँ विशेष संयम बरतना होगा। इस तकरीबन 20-25 दिनों में आपको कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दर्शकों अब चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि के बाद सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा ये काफी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। ये आपके प्रेम संबंध को मजबूत करेगा और आपके विवाह के भी योग बनाएगा, यानी कि इस दौरान आपका रिश्ता तय हो सकता है। काम कारोबार में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, व्यापारियों को जबरदस्त धन लाभ मिलेगा और मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए, जिनके लिए ये योग मिला जुला रहेगा, यानी धन लाभ के लिए तो अच्छा है, लेकिन संबंधों में मांगलिक दोष के चलते दरार हो सकती है, कोई गलतफहमी या किसी तीसरे व्यक्ति के चलते कोई ना कोई परेशानी रहेगी, तो उस चीज से आप बाहर निकलिए कन्या राशि वालों। जितना जल्दी बाहर निकलेंगे ये आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, अन्यथा तो लगन में जो केतु है वो संबंधों को खराब भी कर सकता है, परेशानियां बढ़ सकती है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए ये योग प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपको धन लाभ भी होगा, काम कारोबार भी अच्छा चलेगा और व्यापार में भी स्थितियां बड़ी सुखद रहने वाली हैं, तो कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा समय है, आप इसका लुत्फ उठाइए। चलिए चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों दूसरे भाव में ये योग बनेगा तो देखिए यहाँ धन लाभ बहुत अच्छा आपको होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन संबंधों में कुछ ना कुछ कड़वाहट बनी रह सकती है, तो संबंधों को सुधारने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। काम कारोबार के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए बात करें, जब आप ही की राशि में ये योग बन रहा है तो देखिए ये आपके लव एंड रोमांस को स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी कि आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, जो भी कोई गलत फहमियां चल रही थी वो दूर होंगी, वैवाहिक जीवन भी यहाँ अच्छा रहेगा और काम कारोबार भी अच्छा चलेगा, भाग्य उदय के योग बनेंगे, धन वर्षा होने के योग बनेंगे इन 20-25 दिनों में। खासकर व्यापारियों को, जो बड़े व्यापारी हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा और छोटे व्यापारियों को अपने स्तर पर लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की, जहाँ 12वें भाव में युति अधिक खर्च का संकेत देती है। इस समय धन लाभ कम होगा और व्यय ज्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं संबंधों में भी दरार रह सकती है। हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी से थोड़ा इस समय वियोग का सामना भी करना पड़ सकता है या कोई दरार आ सकती है या आप कहीं दूरी बनाने का प्रयास करेंगे, तो मेरी ये सलाह है कि इस चीज से बचना चाहिए, गलतफहमी दूर करें तो ही आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी, अन्यथा तो और परेशानियां बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जिनके एकादश भाव में ये युति बन रही है शुक्र मंगल और बुध की। देखिए ये पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा योग रहेगा, क्योंकि एकादश भाव धन लाभ का होता है, यहाँ हमेशा आपको लाभ मिलेगा, संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई खुशखबरी भी मिलेगी और आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा, तो कुल मिलाकर आपके लिए भी ये समय काफी अच्छा रहेगा।
अब दर्शकों चर्चा करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, लग्न भाव में राहु दूसरे भाव में आपके इस समय बृहस्पति हैं और ग्यारहवें भाव में शनि है, तो ये युति आपके लिए अच्छी नहीं है। और शुक्र मंगल बुध की युति के चलते धन लाभ तो अच्छी मात्रा में हो जाएगा, लेकिन यह खर्च भी बना रहेगा। तो मेरी सलाह यह है कि फिजूल खर्ची से इस समय आप बचें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ राहु के बीज मंत्र ओम राहवे नमः, इसका जाप करने से आपको सुख शांति मिलेगी। प्रेम संबंधों में खासकर आपको लॉयल रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा तो आपके पार्टनर आपको लेकर कोई गलत फहमी का शिकार भी हो सकते हैं। तो देखिए, संबंधों को इस समय बिगड़ने से आपको बचाना होगा मीन राशि वालों। तो दर्शकों, आजकल हमने आपको जानकारी दी कि तीन ग्रह योग में, यानी कि बात करें तो शुक्र मंगल और बुध में किन राशियों को विशेष लाभ मिलेगा। जिन राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है उसमें हमने बताई एक नंबर पे मिथुन राशि, फिर मेष राशि के बारे में बताया कि इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये योग, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और तुला के बाद धनु राशि, कुंभ राशि, यानी कि इन छह राशियों के लिए ये योग जो है बहुत ही शानदार रहेगा। इनको इनकी मुरादें पूरी होंगी, इनको प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।